प्रोग्राम हमेशा होंदे रहने चाहिए। श्री गुरु रविदास महाराज जी उस टाइम इस दुनिया ते आए जदों इंसान नूं इंसान नहीं सी समझिया जांदा। गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी दे 644वें प्रकाश पुरब दीआं लख लख वधाईआं होण। मिटाउण दे लई अपना सारा जीवन गुरु महाराज की महत्ता नूं मुख रखते हुए एकता का सबूत देंदे हुए सारिआं नूं इंसानां नूं एक लड़ी विच परोया। श्री गुरुदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क नूं मैं लख लख बधाई दिंदा हां। मेरा अमेरिका देख रहे सारे ही दर्शकों नूं गिल प्रदीप वालों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस प्रोग्राम दे विच असी कोशिश करते रहने भी बाहरले मुल्कां दे विच पंजाबी कम्यूनिटी वालों जो भी उपराले किए जाते हैं साडे धर्म नूं लैके साडे इतिहास नूं लैके और साडे बच्चों तक साडी सिक्खी नूं पहुँचाउण दे लई उन्हां उपरालियां नूं मैं तुहाडे रूबरू करता रहिंदा। ते अज असी पहुँचे हाँ श्री गुरु रविदास टैंपल न्यूयॉर्क विखे जिथे कि श्री गुरु रविदास जी का 644वां प्रकाश दिहाड़ा वड्डे पद्धर ते मनाया जांदा है। आम तौर पर हर साल ये प्रोग्राम फरवरी महीने दे विच मनाया जांदा पर इस वारी कोविड करके उस टाइम यह दिहाड़ा नहीं मनाया गया सी ते यह हुण जुलाई दे विच वड्डे पद्धर ते अज यह दिहाड़ा मनाया जा रहा कमेटी के सहयोग के नाल संगतां के सहयोग के नाल और इत्थे अज पंथ प्रसिद्ध रागी जत्थे ढाडी जत्थे पहुँच रहे और संगतां दे लई बहुत तरह के लंगर के इंतजाम किए गए हैं और असी तुहानू दिखाना चाहुंदे आ वी अमेरिका वर्गे देश दे विच पंजाबी कम्यूनिटी अपने धर्म नूं लैके कितनी ज़्यादा सीरीयस है। लोड़ है सानू इस तरह वड्डे पद्धर के प्रोग्राम मनाउण दी ताकि इत्थे दूजियां कम्यूनिटियां नूं भी दस्या जा सके ते नाल दी नाल साडी आउण वाली जनरेशन नूं पता लग सके वी साडा इतिहास की है साडा धर्म की है। सो आओ तुहानू भी झाकियां दिखाउने आ इस प्रोग्राम दीआं। अज दे प्रोग्राम दे विच असी तुहानू धार्मिक प्रोग्राम भी दिखावांगे नाल दी नाल प्रबंधक कमेटी दे नाल गलबात भी करवावांगे ते नाल ही इस प्रोग्राम दे विच्चों सिट्टा कढ़न की कोशिश करांगे वी किन्नी क लोड़ आ बाहरले मुल्कां दे विच सानू अपने धार्मिक ते इतिहासक दिहाड़े इस तरह वड्डे पद्धर ते मनाउण दी। सो आओ देखते हैं 644वां प्रकाश दिहाड़ा श्री गुरु रविदास जी का मनाया जा रहा है न्यूयॉर्क दे विच। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एह जन्म तुम्हारे ले बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एह जन्म तुम्हारे सो दर्शकों तुसी देख रहे हो अज दा साडा मेरा अमेरिका खास तौर पर बाहरले मुल्कां दे विच साडे धार्मिक उपरालियां नूं किस तरह मनाया जांदा है और इस कमेटी के सहयोग के नाल इस तरह के प्रोग्राम जिहड़े नेपरे चढ़ते हैं। मेरे नाल इस टाइम सारी कमेटी है जिहड़े कि अज मना रहे हैं 644वां प्रकाश दिहाड़ा श्री गुरु रविदास जी का और अमेरिका वर्गे मुल्क दे विच इस तरह के प्रोग्राम होने लाजमी ने ताकि साडे बच्चों ते पछमी प्रभाव जिहड़ा ना पै सके। सो सारी कमेटी मेरे नाल ने आओ तुहाडी भी गलबात कराउने। मेरे नाल प्रधान साहब अशोक माही जी ने, चेयरमैन साहब बलवीर चौहान जी, परमजीत कमाम जी, पिंदरपाल जी, सारे दे नाल गलबात करांगे। खुशिया सिंह जी, चूड़ सिंह जी, भाजी
सारे दे नाल गलबात करांगे। मेरे नाल सब तो पहला गलबात करते हैं इस कमेटी के प्रेजिडेंट अशोक माही जी। माई साहब किन्नी कु लोड़ है सानू बाहरले मुल्कां दे विच और कमेटियां नू खास तौर पर इस तरह धार्मिक उपराले वड्डे पद्धर ते मनाउण दी और हर साल मनाउण दी? अज दे समें विच सानू पहलां नालों वध लोड़ है कि अपनी असीं आने वाली पीढ़ी नू अपने धार्मिक जो साडे रीति रिवाज हन उन्हां नाल जोड़ सकीए। इहो जिहे प्रोग्राम हमेशा हुंदे रहने चाहीदे हन, एक नहीं होने चाहिए, हर एक महीने में होने चाहिए हैं कि असीं अपने आने वाले बच्चों अपनी पीढ़ी में यह सिक्ख्या दे सकी कि साढ़े की प्रिंसीपल हैं, साढ़े की रीति रिवाज, साढ़े की गुरुआं की सिक्ख्यावान हैं, असीं उन्होंने ते चल के ही अपने जीवन सफल कर सकते हैं। प्रदीप जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे नाल चेयरमैन साहब ने इस कमेटी के बलवीर चौहान जी। चौहान साहब ये दस्यो इतिहास का की पक्ष है, वो तो साढ़े दर्शकों नू जाणू करवाओ भी की महत्ता है इस दिन की, ताकि साढ़े बच्चों नू और नाल दी नाल साढ़े दर्शकों नू पता लग सके भी बाहरले मुल्कां दे विच सिख कम्यूनिटी किस तरह रल मिल के अपने इतिहास नू अपने धर्म नू याद रख रही है। अज वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, जो बोले सो निरपै, सतगुरु दास महाराज जी की जय। प्रदीप जी जिहड़ा तुसीं ये क्वेश्चन पुट कीता कि इहदी महत्ता की आ, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को आन, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। सतगुरों का यह फरमान सी कि जिस टाइम के उत्ते उन्होंने इस धरती के उत्ते रूप धारना पिया, उस टाइम के उत्ते धरती के उत्ते बहुत ही अत्याचार इंसानियत तौर पर हो रहे सन। उन्होंने इस नूं शॉर्टली मैं दसा तो भेदभाव को मिटाउण दे लई अपना सारा जीवन गुरु महाराज की महत्ता नूं मुख रखते हुए एकता का सबूत देंदे हुए सारिया नूं इंसानां नूं एक लड़ी विच परोया, तो उन्होंने महत्ता नूं महानता नूं याद करते हुए असीं आपां सारियां कम्यूनिटियां कट्ठियां हो के अपनी कम्यूनिटी कट्ठी हो के भाईचारा कट्ठा हो के उन्होंने याद करते हैं और उन्होंने मिशन नूं सारी पब्लिक दे सारी संगत दे विच अपना बरसाउणा चाहुंदे हैं कि उन्होंने दित्ते हुए सिक्ख्यावां ते असीं चलण दी लोड़ है सानूं। बिल्कुल जी, सारी कमेटी दे नाल गलबात करांगे और इस सारे प्रोग्राम नूं एक लड़ी दे विच परोण दे लई गुरु घर कमेटी तो जिहड़े सैकटरी ने उन्हां दा खास सहयोग हुंदा है, क्योंकि सारा प्रोग्राम वो लीक लैंदे ने पर उसनू क्रमबद्ध किदां करना है, उसनू किसदा तरतीब देनी है, वो एक सैकटरी का काम हुंदा है। इस गुरु घर दे विच सैकटरी दी भूमिका निभा रहे ने सूबेदार खुशिया सिंह जी। और सैकटरी साहब, प्रोग्राम नू मैनेज करना किन्ना औखा हुंदा, खास तौर पर इहदे वड्डे प्रोग्राम नू, और उस तो बाद जदों तुसीं लिख लिया हुंदा सारा प्रोग्राम, फिर उस तो बाद कोई कहिंदा मैनू पहला टाइम दे दो, इस तरह दीआं वी गल्लां आउंदीआं, तुसीं किस तरह इन्हां चीज़ां नू हैंडल करदे हो, ओवरऑल स्टेज नू चलाउणा किस तरह हुंदा इस वड्डे प्रोग्राम दे विच? प्रदीप जी, इह सारा कमेटी दा सहयोग हुंदा है, साडे सत्कारयोग श्री अशोक कुमार जी प्रधान, उन्हां दी रहनुमाई दे अंदर इह जो कमेटी है और कम्यूनिटी वो तरक्की कर रही है और असी उन्हां दी कमांड दे अंडर कम कर रहे हाँ, अते जो भी साडे कोलों त्रुटियां हुंदियां ने या जो भी कोई गलती हुंदी है असी उन्हां दे नाल गलबात करदे हाँ, अते बाकी सारी कमेटी बैठ के सारे मेरे पतवंते सज्जण जो कि इस कम्यूनिटी नूं बिलोंग करदे ने उन्हां सारिआं दे नाल गलबात करके उन्हां दा सारिआं दा सहयोग लै के फिर ही स्टेज नूं चलाया जा सकदा है। स्टेज चलाउणी थोड़ी जी औखी जरूर होंदी है, इहदे विच कोई शक नहीं, पर मैनू मेरे प्रबंधकां ने, मेरी कौम ने, मेरे दोस्तां ने इह ड्यूटी संभाली है ते मैं इस नूं पूरी करन दी कोशिश करूँगा जरूर। और दूसरी गल रही कि इह स्टेज दा जो प्रबंध है इह सारे दा सारा मेरे नाल सहयोग कर रहे ने, साडे चेयरमैन साहब श्री बलवीर चौहान जी, अशोक कुमार जी, ते जीत राम जी, तो बाकी सारे कमेटी के मैंबर जिन्हों का मैं नाँ नहीं लै सकिया वह मैनू माफ़ कर, इन्हों के सहयोग के नाल ही स्टेज चलती है और इस दे नाल ही स्टेजा चलदिया ने, इस दे नाल ही चलदिया रहनगिया। जी बिल्कुल, सारे दे नाल गलबात करांगे। चूड़ सिंह जी, मैं तुहाडे कोले भी आऊँगा पर नाल दी नाल सारयां दा बड़ा सहयोग हुंदा। मेरे नाल पिंदरपाल जी ने, पिंदरपाल जी बाहरले मुल्कां दे विच इस तरह साडी कौम नूं रल के जात पात तो उपर उठ के सानू सारयां नूं रल के रहण दी किन्नी कु लोड़ आ अज दे समें दे विच? सब तो पहला श्री गुरुदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क में मैं लख लख बधाई दिंदा ना जिन्हां ने यह उपराला करके बड़ा उपराला करके कोविड-19 को थोड़ा अगे कर पा के एडा बड़ा कामयाब प्रोग्राम किया है, उन्होंने बहुत बहुत बधाई दिंदा हाँ। प्रदीप जी, तुहानूं पता है कहिंदे जिहड़ियां कौमां अपने विरसे नूं भुल जांदियां ने, अपने रहिबरां भुल जांदियां ना, उन्हां कौमां दा होंद भी भुल जांदी लगदी है। असीं इत्थे दूर बैठ के हजारां दूर मीर दे के अपने रहिबर का दिन मना अपने आप में माण महसूस करते हैं। वह रहिबर वो क्रांतिकारी रहिबर से जिन्होंने सपना लिया सी बेगमपुरा शहर को नाम,
उस तो बाद ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न छोटे बड़े सब संभर से रसा रहे पसन्न यदा क्लीयर कट है वो की कहना चाहते सन उन्हें फिर उस तो बाद विद्या से बड़ा जोर दिता विद्या है तकीन बे विद्या तो बिना असी एक अन्य इंसान बन जाते हैं विद्या सू प्राप्त करनी चाहिए जिहड़ी चीज़ अज सू लोग जेडे सू बुद्धिजीवी दसते हैं वो अज तो 644 साल पहले सू दस के गए हैं इसलिए साडा फर्ज बनता है वे अपने रहबरों का दिन मनाइए तो उन्होंने याद रखिए तो अपने विरसे रखिए बाकी जो कि जात पात की जोड़ी गल की है जात पात जिन्हें भी साढ़े गुरु आए आ उन्होंने जात पात मिटाने की बहुत कोशिश की आ साढ़े भी गुरु घर यही होंगे भी जात पात मुकी जाए पर वह उतो कह के चल जाते जात पात उत्थे उत्थे रहिंदे हन सानू उपराला करके ये जात पात खत्म करनी चाहिए आ कि असी उन्होंने अपने रहबरों के लाए हुए बूटे नूं पानी देइए उन्होंने अगे वधाइए इस लगा तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद है एक बार जी। बिल्कुल मेरे नाल परमजीत कमाम जी ने परमजीत भाजी बाहरले मुल्कां दे विच मैं ना कोशिश करता रहना भी जो साडे बच्चों तक साडा विरसा जिहड़ा पहुँचना चाहिए ना उन्हूं हमेशा सानू प्रफुल्लित करना चाहिए इत्थे तुहानू फैमिलीज़ का किस तरह का सहयोग आ जदों इस तरह का प्रोग्राम तुसीं उलीकदे आ कई बार कमेटी वालियां नूं मतलब इस चीज़ का भी सामना करना पैंदा अद्धे बंदे होर पासे हो जांदे अद्धे होर पासे सो ओवरऑल कम्यूनिटी का किस तरह का सहयोग हुंदा जदों तुसीं इस तरह का वड्डा प्रोग्राम उलीकदे हो। अज जो ये प्रोग्राम हो रहा तो प्रदीप जी तुहानू दसना चाहुंदे कि ये साडी सारी ही फैमलियां दे सहयोग नाल जे असी इत्थे काम करके अपने गुरुआं दे सारे इदां दे प्रोग्राम असी बड़े वड्डे पद्धर ते मनाउने आ उहदे विच साडे जो परिवार हन हर एक दे परिवार हन वो साडे नाल मुंडे नाल मुंडा ला के चलदे हन ते वह यही चाहुंदे हन क्योंकि साडा जो विरसा है इंडिया तों असी इत्थे तक लिआंदा है कि वह अगे भी इस तरह ही साडी जिहड़ी जनरेशन आ इस तरह ही इनू कायम रखे इस करके साडा जिहड़ा ये मकसद आ कि इदां दे असी वड्डे तो वड्डे प्रोग्राम लीक के गुरु महाराज की कृपा नाल गुरुआं पीरां नूं असी याद करके अपने जिहड़े दिन मनाउंदे रहीए। जय गुरदेव धन गुरदेव। बिल्कुल मेरे नाल चूड़ सिंह जी ने। चूड़ सिंह जी की मैसेज आ अज दे दिन ते तुहाडा सारी कम्यूनिटी नूं? जो अज दा प्रोग्राम दा मैसेज हैगा वह यह आ भई सारी जगत नूं पता कि धन धन श्री गुरु रविदास महाराज जी उस टाइम इस दुनिया ते आए जदों इंसान नूं इंसान नहीं सी समझिया जांदा समाज दे विच खास करके साडे भारत दे विच बहुत वितकरा किया जाता सी ते उस चीज़ नूं संभालण दे लई उस चीज़ नूं अगे वधाण दे लई जो भी उन्होंने किया सब बराबरता का होका दे के एजुकेशन का होका दे के सारयां नूं बराबरता एक मंच ते लियाउण दा यतन किया ते असीं इहो जिहे अपने गुरुआं पीरां रहबरां नूं कदी भी भुल नहीं सकते बाकी असीं अपनी आने वाली जनरेशन नूं भी यह बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गनाइज़ करके ये दसना चाहते हैं भई बचो चाहे तुसीं अमरीका वर्गे जो दुनिया की सब तो पावरफुल इस वेले मुल्क हैगा नंबर वन पावर हैगी उन्हां दे विच जम्मे हो पले हो पढ़े हो सब कुछ किया लेकिन अपना विरसा अपना जो रहबर है साडे उन्हां नूं नहीं भुलना सो इस करके सारयां नूं यही मेरे वालों संदेश आ और इस प्रोग्राम ते बहुत बहुत लख लख बधाइयां जो भी सरबत जो भी अपनी कम्यूनिटी है जिथे भी रहती है दुनिया के कोने कोने तो उन्होंने लख लख बधाई तो अपने बच्चों आने वाले जनरेशनों साड़ी यही बेनती है कि अपने हर एक रहबर का अपने हर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेदकर का धन धन श्री गुरु रविदास महाराज जी ने जो सानू दिता जिन्हों की बदौलत अज असी बड़े बड़े मुल्कों चा उन्होंने कभी नहीं भुलना उन्होंने सत्कार करो और ये प्रोग्राम जोड़े आ ये पूरी श्रद्धा के भावना नाल मनाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। सो ये सारी कमेटी के सहयोग के नाल अज का प्रोग्राम जिहड़ा उलीकिया होया है अशोक कुमार माही हुणां दी रहनमाई दे विच सारे काम कर रहे ने इकट्ठे हो के नाल बलवीर चौहान जी खुशिया सिंह जी सारे रल मिल के प्रोग्राम नूं उलीक रहे ने होर भी पतवंते सज्जणां दे नाल गलबात करांगे क्योंकि काम भी बहुत है बहुत ज़्यादा स्टाल्स लगिया हुई हैं सारी संगत नूं मैनेज करना नीले हुणां दा बड़ा सहयोग आ सारे नाल गलबात कराउंगे। माही साहब सारे दर्शकों एक मैसेज के रूप दे विच की कहना चाहोगे जो अज तुसीं प्रोग्राम उलीकिया है किस तरह का सहयोग संगत का पेरेंट्स का बच्चों का कमेटी का रहा? प्रदीप जी इस दे विच मैं सब तो पहला तो मैं उन्होंने परिवारों का ही धन्यवाद करना कि जिन्होंने कि सानू अपना टाइम जो कि बच्चों का टाइम हों टाइम दे रहे सानू कि तुम अपनी कम्यूनिटी में स्पेंड कर सके जे असं अज इतने खड़े हैं तो अपने परिवार फैमिलिया साथ के खड़े सारे ही मैं परिवारों का बहुत धन्यवाद करना कि जो कि पूरी साथ दे रहे हैं कि वह इतने कर रहे हैं। अज का प्रोग्राम बिल्कुल ही शांति भावना प्यार सत्कार चल रहा है। मैं संगत को बेनती करता कि प्रोग्राम हुम हमा के पहुँचो
ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਝਲਕੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ। 644ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨੀਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੀਲਾ ਬੱਧਣ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਏਐਸ ਰਮਤਾ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਬੜਾ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੀਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 644ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਾਲਜ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਤੇ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਗਾਡ ਬਲੈਸ ਅਮੈਰੀਕਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਐਸ ਰਮਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਰਮਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 644ਵਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ 6101 ਬਰੋਡਵੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੋਲੋ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਿਆਨ ਕਿਆਸ, ਤੈ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਏਗੇ ਸਤ ਪਾਖੇ ਰਵਿਦਾਸ। ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਜਹਾਨ ਦੇ ਬਣਨ ਕਲਮਾ, ਕਾਗਜ਼ ਬਾਸ ਤੇ ਧਰਤ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈਨ ਜਿੰਨੇ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਲਾਲ ਯੋਰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਅਲਮਸਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਤੇ ਨਾ ਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਤੇ ਨਾ ਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰਪੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਰਸ ਦੇ ਬੇਲ ਨੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੇ ਜੂਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਲੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਛੋਲੇ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ, ਇੱਥੇ ਜੂਸ ਦੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ 644ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮਸੇ ਜੋਈ, ਤੁਮਸੇ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤਾਰੀ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ
सो दर्शको तुसी देख रहे हो साडा मेरा अमेरिका दा अज खास प्रोग्राम जिहड़ा कि 644वां प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा श्री गुरु रविदास जी का। श्री गुरु रविदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क वालों नाल नाल बेगमपुरा कल्चर सोसाइटी वालों साडे नाल दर्शन सिंह जी ने जिहड़े कि इत्थों दे हैड ग्रंथी ने इस गुरु घर दे। दर्शन सिंह जी, इतिहासक पक्ष तो साडे दर्शकों नूं जाणू कराओ भी ये दिन की कि महत्ता है, साडे इतिहास नाल किदां इह दिहाड़ा जुड़िया होया और किन्नी क लोड़ आ विदेशां दे विच इस तरह के दिहाड़े इस तरह वड्डे पद्धर ते मनाउण दी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं समुची साध संगत नूं दुनिया भर विच मैसेज देना चाहुंदा हाँ कि जो सतगुरु श्री रविदास महाराज जी जो महान रहिबर होए हन, जिन्हां ने जो छुआ छात के खिलाफ बुलंद आवाज विच दुनिया का भला करना किया, तो सरबत नूं एक एदा उपदेश दिता, तो आप निरंकार का स्वरूप सन, हमेशा निरंकार नाल जुड़े रहिंदे सन, ते जो उस समय के हाकम सन मजलूमां ते जुलम करते सन, जो छुआ छात का भेदभाव करते सन, उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिता कि हर एक जीव जिहड़ा निरंकार की बंदगी कर सकता है, हर एक जीव निरंकार का अपना नूर है, वह सारियां विच रमिया होया है, उन्हों का मिशन निरंकार के नाल जोड़ना सी, ते उन्हां वलों ये मिशन बाणी द्वारा अते जो वहम भरम जां पखंड सन उन्हां नूं नकारदे होए जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी विच 40 शब्द ते इक श्लोक दर्ज है, जो महान सानू उस निरंकार दे नाल जुड़न दा रस्ता मार्ग दसदे हन। गुरदेव पिता दा यही सानू संदेश है कि हमेशा निरंकार नाल जुड़ना करिए, ते सरबत दी सेवा करनी करिए, ते सारियां विच उस निरंकार नूं देखना करिए, यही उन्हां दा मिशन सी, हमेशा रब नाल जोड़दे सन ते आप निरंकार स्वरूप सन। सो आप समूह संगतां नूं इस महान पुरब जो 644वें आगमन पुरब श्री गुरु रविदास टैंपल न्यूयॉर्क विखे 61 ते मनाए जा रहे हैं, इस महान समागम की आप समूह संगतां नूं लख लख बधाई होवे, दुनिया भर में इस महान दिवस की सारी दुनिया नूं बधाई होवे जी। सो दर्शको तुसी देख रहे हो अज साडा खास प्रोग्राम मेरा अमेरिका दा, जिस तरह तुसी देख रहे हो भी बाहर इत्थे लंगरां दे स्टाल लाए गए ने संगतां दे लई, उसे तरह ही गुरु घर दे अंदर धार्मिक प्रोग्राम चल रहे ने, जिहदे विच पंथ प्रसिद्ध कीर्तनी जत्थे ढाडी जत्थे पहुँचे हुए ने, जो गुरु जस राही संगतां नूं निहाल कर रहे ने। आओ तुहानू भी सरवण करवाउने आ धार्मिक प्रोग्राम। लख खुशियां पातशाहियां लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर जतन करे, जे सतगुर जतन करे। सो दर्शको तुसी देख रहे हो साडा खास प्रोग्राम अज मेरा अमेरिका दा, अज न्यूयॉर्क दे विच 644वां प्रकाश दिहाड़ा मनाया जा रहा है श्री गुरु रविदास जी दा, और कमेटी दे सहयोग दे नाल नाल होर भी कई सज्जणा दा सहयोग हुंदा है जिन्हां दे सदका इस तरह के प्रोग्राम जिहड़े उलीके जांदे ने, उन्हां दा की कहना है आओ जानदे हां। मेरे वालों और अपना बाजार दे समूह उदारे वालों श्री गुरु रविदास महाराज दीआं 644 प्रकाश ऑफिस दियां समूह जगत नूं बहुत बहुत बधाइयां। 61-01 ब्रॉडवे श्री रविदास महाराज का गुरपुरब बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा। यह गुरपुरब जिहड़ा करोना वायरस की वजह नाल लेट किया गया, फरवरी च मनाउणा सी, हुण इहनूं मना रहे आपां 11 जुलाई नूं। 644वां गुरपुरब बहुत धूमधाम नाल, बहुत ही ज़्यादा संगत हुम हुमा के इकट्ठ होया आ। देखो जिस तरह सेवा चल रही आ, अज इत्थे रस का बेलना लाया गया, पहली बार मौका मिलिया गर्मियों नूं, ते संगत ने पूरी अपनी श्रद्धा दे नाल बहुत तरह के लंगर लगाए हुए हैं, सारी श्रद्धा दे नाल अपने अपने सेवा दे लगे हुए हैं, ते असीं सारिआं नूं बधाई दिंदे आ अपनी वलों, सारी संगत वलों, सारे सेवादारां वलों, सारी कमेटी वलों और सारे जगत नूं श्री रविदास महाराज के 644वें गुरपुरब दीआं लख लख बधाइयां। आप सब नूं श्री गुरु रविदास महाराज जी के गुरपुरब दीआं लख लख बधाइयां। अज असीं इत्थे इकट्ठे होए हां ताकि असीं श्री गुरु रविदास महाराज जी का गुरपुरब मना सकीए। श्री गुरु रविदास महाराज का 644वां आगमन पुरब मना रहे हैं बड़ी धूमधाम नाल, सारे वर्ल्ड नूं, सारी कायनात नूं लख लख बधाइयां। अज का जो सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्मदिन मनाया जा रहा,
न्यूयॉर्क दे वेलफेयर सतगुरु रविदास सभा ऑफ न्यूयॉर्क वालों ये बहुत ही उत्साहपूर्वक बहुत ही जोरों शोर न बहुत ही जोश खरोश ना मनाया जा रहा। तो बहुत बहुत बधाइया सारे मेरे वालों के पी ए ट्रस्ट वालों पूरे कायनात नू बहुत बहुत लख लख बधाइया। सात संगत जी अज श्री गुरु रविदास महाराज का 644वां गुरपुरब न्यूयॉर्क विखे बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है और अज मैं सारी संगत नू न्यूयॉर्क की संगत नू करोड़ करोड़ बधाई दिंदा हाँ और न्यूयॉर्क की प्रबंधक कमेटी नू भी बहुत बहुत उन्हें अच्छा इंतजाम किया उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सू संगतान 600 गुरु रविदास महाराज के गुरपुरब दियाँ 644वें गुरपुरब दियाँ बहुत बहुत बधाइया। प्यारी सात संगत जी अज असी श्री गुरु रविदास महाराज गुरपुरब 644वां श्री गुरु रविदास टैंपल विखे मना रहे हैं 6101 ब्रॉडवे ते। आप समुची साध संगत नूं लख लख बधाई होवे जी। आप सब नूं श्री गुरु रविदास महाराज जी दे गुरपुरब दियां लख लख बधाइयां। आप सब नूं श्री गुरु रविदास महाराज जी दे गुरपुरब दियां लख लख बधाइयां। अज असीं सारे इत्थे गुरपुरब ते इकट्ठे होए हाँ। इन्हां बच्चियां ने अज इत्थे 12 बजे परफॉर्म करना है। ये बहुत ही वधिया मौका है कि असीं बच्चियां नूं पंजाबी सिखा रहे हैं ते उन्हां नूं असीं शब्द पाठ कीर्तन सब कुछ सिखा रहे हैं। ये मौका बहुत ही वधिया है आपां सारिआं दे लई। इस ठाठा मारते इकट्ठ नूं देख के अपने दिलों बहुत खुशी महसूस कर रहे हाँ कि जो असी उपराला किया असी उस विच मेरी पूरी समुची टीम अते सारे ही मेरे साथी वीर सफल होए हाँ। अते आपां श्री गुरुदास महाराज जी का गुरपुरब बड़ी श्रद्धा भावना से धूमधाम नाल आप समूह सात संगत के सहयोग नाल मना रहे हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी मैनू लगता है कि आप सब जी ने कोविड वैक्सीन लवा ली होगी। असी एहो जे देश विच बैठे हाँ जिस देश का जिस टाइम का श्री गुरुदास महाराज जी ने सुपना किया सी ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को वन छोट बड़े सब संग बचे रविदास रहे प्रसन्न। गुरु प्यारी साध संग जी धरती की पुकार सुन के आप रबी जोत क्रांतिकारी मानवता दे राखे जगत पितामा अते दबे कुचले शोषक समाज के अधिकारा की जंग लड़न वाले धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी 1433 मार सुली 15 दुखियों के कल्याण है प्रगटे गुरु रविदास। गुरु प्यारी साध संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी दे 644वें प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां होण। कलसा मां तू ओ है मां जिसने भारत मां दा कष्ट निवारिया है तेरी कुख चो जन्मिया ओ सूरज जुल्म सितम नूं जिसने वंगारिया है। ते पिता जी ने तेरे लाल ने मेरे संतोख बापू तेरे लाल ने मेरे संतोख बापू साड़ी डुबी हुई कौम नूं तारिया है। गुरु प्यारी साध संगत जी ये सारा प्रोग्राम गुरु घर की प्रबंधक कमेटी ट्रस्ट कमेटी बेगमपुरा कल्चर सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क ते समूह संगतां वालों श्री गुरु रविदास टैंपल ऑफ न्यूयॉर्क 61-01 ब्रॉडवे विखे मनाया जा रहा है जिस विच आप समूह संगतां अपनियां हाजरियां दवा रहे हो।
गुरु महाराज दी खुशियां प्राप्त कर रहे हो। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ 644ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, 13-13-26 ਹੈ ਤਾਂ 26 ਰਹਿਣ ਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਾਰਥਕ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ। ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ gilpradeep11@yahoo.in। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, ਰੋਕੂ ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼, ਇਵੈਂਟ ਕਵਰੇਜ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰਦੀਪ 6465206706। ਈਮੇਲ gilpradeep11@yahoo.in।